ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार एक शिष्य एक भगत था, यात्रा करने के लिए आया था ऊपर से। तो यात्रा करते 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 उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। अब उसको डर लगने लगा, कहीं शेर चीता ना आ जाए। तो भी हिम्मत करके वो चलता है। अचानक पीछे मुड़कर देखा, एक शेर उसके पीछे लगा है। अब उसको तो घबरा गया, शेर अभी पकड़ने वाला है। तो दौड़ता है, वो दौड़ता है, पीछे मुड़कर फिर दौड़ता है। तो अचानक वो दौड़ रहा था, पीछे मुड़ कर गए, वो यात्री कुएं में गिर गया। क्योंकि कुएं को कोई दीवार वगैरह नहीं थी, प्लेन कुआ था, बहुत गहरा कुआ था। वो कुएं के अंदर गिर गया। जैसा नीचे गिर गया, वो नीचे भी नहीं गिर गया, बीच में बेल पत्ती पर लटक गया। तो उसको जान में जाना, ये अच्छाई में नीचे गिरने से क्या हो गया, शेर से तो बच गया। लेकिन उसने ऊपर जब सिर करके देखा, उसको लगा शेर तो आगे गया होगा। लेकिन जैसा ऊपर सिर करके देखा, वो शेर नीचे देख रहा था। वो यात्री कहता है, मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में उस यात्री को लगता है, देखता हूं पानी कितना है। पानी देखने के लिए उसने सिर नीचे किया। जब सिर नीचे किया, एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके बैठा था, उसके तरफ आ रहा था, वह यात्री की तरफ। क्योंकि जैसा आवाज आया, उसको लगा कोई शिकार मेरे लिए आई। अगर वो यात्री अजगर से बचने के लिए ऊपर जाता तो क्या होता, शेर खा लेता। इतने में उस यात्री की नजर गई जिस डाली पर वो लटका था। उस डाली को दो चूहे काट रहे थे, एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो डाली कटती तो क्या होता, हाँ, सीधा ही वो अजगर के मुंह में जाता। वो यात्री क्या करता है, अगर ऊपर जाता तो शेर खा लेता, बैठा रहता तो भी, माना कोई भी हालत में वो बचने वाला नहीं था। उस यात्री का फर्ज क्या था, जितने भी उसके श्वास रहे हैं, उस श्वास को सफल करने के लिए क्या करना है, भगवान को याद करना है। लेकिन भगवान को याद करने के बजाय वो यात्री क्या करता है, नीचे से नीचे ऊपर से गिरा था तो वहां मधुमक्खियां बैठी थी, वो उठ के चली गई थी और उसका शहद नीचे टपक रहा था। वो यात्री का क्या करता है, शहद चाटने में मस्त हो गया। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी ऊपर से आए थे यात्रा करने के लिए। सतयुग त्रेता की यात्रा तो हमारी अच्छी हो गई, लेकिन आज हमारी यात्रा कहां चल रही, कलयुग में। और इसी कलयुग की यात्रा में सबके पीछे शेर लगा हुआ है, विनाश रूपी शेर। और इससे कोई भी यात्री बचने वाला नहीं है। आज कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग आजकल चंद्रमा पर प्लॉट लिया हुआ है ताकि यहां कुछ हो जाएगा तो कहां चले जाएंगे, चंद्रमा। कई ने तो कोई देशों में समुद्र के नीचे कांच की दीवारें बांध करके प्लॉट बना करके उसमें रहते हैं, अगर कुछ ऊपर हो गया तो नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। परमात्मा कहता, मैं कालों का काल महाकाल हूं, मैं यहां आया हूं सारी जीवात्माओं को परमधाम लेके जाने के लिए। इसे कोई भी बचने वाला नहीं। अगर कोई चंद्रमा पर भी जाए, ऐसे कोई बॉम्ब्स के धुआं निकलेंगे, ज्वाला निकलेगी, जो उसका धुआं कोई भी आत्मा को यहां रखेगा नहीं, सबको लेके जाएगा। इसलिए हमारे श्वास कैसे हैं, अब गिनती के श्वास है। ऊपर से बॉम्ब्स हैं, नीचे से ज्वालामुखी हैं। धरती फट जाएगी, शहर के शहर इसके अंदर जाएंगे। अभी तो एक वायरस सिर्फ निकला हुआ है और उस समय प्रकृति का उधर से प्रकृति के बातें आएगी,
पांच तत्व परेशान करेंगे तो समय, इसीलिए क्योंकि हर 5000 साल के बाद यह घटना होती है और सबको वापिस जाना है, तो कारण तो बहाने तो कुछ भी बनेंगे। इसलिए एवर रेडी बनो, अपने पुण्य की गठड़ी को जमा रखो। इसलिए आप परचिंतन करने का, किसी को दूसरों को देखने का, अवगुणों को देखने का समय नहीं है। समय है सो चिंतन करने का, आत्म चिंतन करने का, ज्ञान का चिंतन करने का, मनन चिंतन करने का। इसलिए अब हमें किसी का भी परचिंतन नहीं करना है। जैसे वो यात्री क्या करता है, शेयर चैटने में मस्त हो गया। इसी तरह कई क्या करते हैं, टीवी देखने में, व्हाट्सएप देखने में, पैसा कमाने में, बैंक बैलेंस करने में अपना टाइम वेस्ट है कर रहे हैं। किसी को पड़ोसी को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। अब ये समय नहीं है। समय है अपनी बैग बैगेज को तैयार रखो।